दोस्तों, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। टाइम हो रहा है, इट्स इवनिंग 7:27 ऑलमोस्ट। मार्केट अभी ऑफ है। आज हमने टेलीग्राम पे कॉल शेयर किया था मैंने एक बैंक निफ्टी का। कॉल मींस मैंने जो ट्रेड लिया था वही। आज कुछ हम अलग ट्राई करेंगे। मैं आज बस कुछ प्रॉफिट और लॉस नहीं दिखाऊंगा। मैंने आज टेलीग्राम पे जो ट्रेड डाला था वो क्यों लिया था, क्या रीजन था उसके पीछे, वो सब लॉजिक मैं एक्सप्लेन करूंगा बस। सो ये देखो, मैंने यहाँ पे डाला था बैंक निफ्टी फ्यूचर शॉर्टेड एट 21327 स्टॉप लॉस 425। सो आपको इमेज भी दिखेगा यहाँ पे। मैंने रीजन मतलब ये कुछ डाला था। सो हम देखते एक्चुअल चार्ट में क्या था। तो हम जब चार्ट देख रहे थे बैंक निफ्टी का, ये फ्यूचर का चार्ट है, सो तब चार्ट कुछ इस लेवल के पास था, ठीक है। तो बैंक निफ्टी अगर सुबह से आप देखोगे, आज का दिन यहाँ पे देखो कुछ फ्लैट ओपन हुआ था, यहाँ से नीचे आने की ट्राई किया था, बट अपसाइड मोमेंटम बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बने थे, वहीं से फिर इसने डाउनफॉल चालू किया था, ठीक है। आप देखोगे तो स्मूथली ये नीचे आया, फर्स्ट वापस ऊपर जाने का ट्राई किया, बट यहाँ पे वापस से बड़े से कैंडल बन रहे थे रेड। मतलब यहाँ पे वॉल्यूम भी देखोगे आप तो सेलिंग प्रेशर ज्यादा था शुरू में ही, जो ये अपसाइड मोमेंटम जाने का ट्राई कर रहा था तो ये सस्टेन नहीं कर रहा था, ठीक है। आप क्लियरली देखोगे ये डाउनफॉल कर रहा था। बाद में और एक रीजन अगर देखते हो आप, तो यहाँ पे कुछ आपको दिखेगा दिस, ठीक है। ये एक लेवल मैंने ड्रॉ किया था। आज मैंने सप्लाई और डिमांड जोन पे काम किया था, मतलब कुछ प्राइस एक्शन का ही पार्ट है ये भी। ये मैंने जो जोन ड्रॉ किया है, ये जो रेक्टेंगल है, ये मतलब डिमांड जोन था, ठीक है। आज के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जब प्राइस आ रही थी तो अपसाइड जा रही थी, ठीक है। यहाँ पे देखोगे, सेकेंड टाइम देखोगे, यहाँ पे देखोगे, ठीक है, कंटिन्यूअसली प्राइस जब यहाँ पे आ रहा था। ये कल का चार्ट है, मतलब ये कल का पार्ट है। यहाँ से अगर देखोगे तो आज चालू होता है, मतलब 30, ये इसके पहले कल का दिन था ये। मतलब ये सपोर्ट जो बन रहा था, डिमांड यहाँ पे कल से बन रही थी, ठीक है। सो आज भी सुबह अगर देखोगे तो फॉल करने का ट्राई किया था, बट यही लेवल से ऊपर आया था, ठीक है। आप ये लेवल से देखो कितना फास्ट ऊपर आ रहा था। सो वापस सुबह गिरने के बाद यहाँ पे अगर देखोगे तो ट्राई किया था अपसाइड जाने का, वापस से इसको रिटेस्ट किया, ठीक है। वापस अपसाइड जाने का ट्राई किया था यहाँ पे दो तीन बार कंटिन्यूअसली ट्राई कर रहा था। हम इस लेवल पे खड़े थे जब ये चार्ट में देख रहा था, ठीक है। सो अगर आप वापस से यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे अगर देखोगे आप एक चीज इंटरेस्टिंग, यहाँ पे जब प्राइस आया तो एकदम ऊपर गया था, फिर इसने ये हाई लगाया, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूं मैं, ठीक है। ये ऐसे परसेंटेज में क्यों दिख रहा है पता नहीं, इसको हम जरा सीधा कर लेते हैं, रेगुलर ना। हाँ ओके ओके ओके, नाउ इट इज शोइंग करेक्ट। ये पहले वैल्यूज में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था मुझे, ठीक है। हम इस लेवल पे खड़े थे, मैंने आपको ट्रेड भी दिखा देता, वो कितने बजे डाला था 11:47, और मैंने भी थोड़ा सा उसके पहले लिया था टाइप और इमेज शेयर करने से पहले, ठीक है। सो आप अगर एक बात देखोगे तो ये हमने जोन मार्क किया है, ठीक है। आज सुबह अगर देखोगे आप, प्राइस इस लेवल पे आता है और एक अपसाइड मोमेंटम देता है, ठीक है। मतलब ये डिमांड जोन हो रहा था अपना, और ये इसने हाई बनाया था पहले, ठीक है। वापस से ये नीचे आया, ठीक है। यहाँ पे इस लेवल पे आने के बाद वापस से इसने प्राइस ने हाई लगाया, ठीक है। मतलब यहाँ से डिमांड कंटिन्यूस आ रही थी, ठीक है। बट ये जो प्राइस है, ये यहाँ पे देखोगे आप तो लोअर हाईज लग रहे हैं, ठीक है। एक यहाँ पे हाई बना, ठीक है, स्विंग हाई, बाद में ये जो हाई बना ये इससे कम बना, ठीक है। लोअर हाईज बन रहे थे यहाँ पे, ठीक है। वापस से अभी जब प्राइस यहाँ से ये लेवल पे आई, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो अभी इससे भी ज्यादा लो लगाया, ठीक है। मतलब ये लोअर हाई और भी लगा यहाँ पे आप देखोगे। मतलब एक इंटरेस्टिंग चीज अगर देखोगे तो यहाँ पे एक हाई लगा, उसके नीचे बाद में यहाँ पे लोअर हाई लगा, बाद में यहाँ पे लोअर हाई, मतलब कंटिन्यूस लोअर हाईज लग रहे थे जब प्राइस ये डिमांड पे आ रहा था, मतलब, ठीक है। सो दैट मींस इट वाज इंडिकेशन दैट ये जो डिमांड जोन था, ठीक है, वो डिमांड जोन वीक होते जा रहा था, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ पे आते हो तो बाद में वापस प्राइस ने ये लेवल तक तो हमने डिस्कस किया, बाद में वापस से ट्राई कर रहा था, ठीक है। सो मैं इस लेवल पे खड़ा था जब चार्ट देख रहा था,
आई वॉज सीइंग कि ये जोन जो है वो वीक होते जा रहा था, सो मैंने क्या किया, ये जो अपना ये कैंडल का लो है देखो ये, ठीक है, इसका लो मैं यहाँ पे लाइन मार्क करता हूँ, ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे शॉर्टिंग एंट्री लगा दी थी 326 या 327 के अराउंड, मैंने यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, बैंक निफ्टी शॉर्टेड एट 327, सो मैंने यहाँ पे एंट्री शॉर्ट करने के लिए लगा दी थी, एटलीस्ट इसका कैंडल का ये था लो ऑलमोस्ट 330 था अराउंड, तो मैंने 2-3 पॉइंट उसके नीचे ये लगाया था ब्रेकआउट के लिए, ठीक है, ब्रेकडाउन सॉरी। सो हमने जब एंट्री ली शॉर्ट पोजीशन आप देख सकते हो ये लेवल के अराउंड, सो मतलब ये डिमांड जोन वीक हो रहा था, ये रीजन था मेन, और उसके नीचे उसने ब्रेकडाउन दिया था, तो मेरा सेटअप वही था कि मैं उस बेसिस पे ट्रेड लिया था ये, और मैंने स्टॉप लॉस कौन सा लगाया 425 का, आपको दिखेगा यहाँ पे देखो 21,425, दैट मीन्स ये जो रेजिस्टेंस लेवल था इसका ये, तो आप देखोगे तो ये लेवल के अराउंड, मतलब हमारा ऑलमोस्ट 96 पॉइंट का यहाँ पे ये था रिस्क, और टारगेट मैंने उसी हिसाब से 1:1 मैच करने का ट्राई किया था, ये जो जोन था इसका ये देखो, ये जो प्रीवियस इसका रेजिस्टेंस था वो मैंने यहाँ पे टारगेट लगाया था, ठीक है, 1:1 ट्राई कर रहा था मैं पुल आउट कर। सो हमने एंट्री कुछ यहाँ पे ली थी ये कैंडल के ऊपर, ठीक है, ये कैंडल के ऊपर एंट्री लेने के बाद थोड़ा अपसाइड मोमेंटम दिया था इसने, इतना चलता है, बाद में ये नीचे आया था, ठीक है, कुछ लो लगाया था इसने हाफ वे में, फिर बाद में ये अपसाइड बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनी थी, आप देख सकते हो यहाँ पे बाइंग प्रेशर कितना आ रहा था, ठीक है। सो मेरा स्टॉप लॉस ऑलरेडी ये लेवल के अराउंड था, सो ये मोमेंटम जब आया तो इसने फिर नीचे साइड मोमेंटम दिया था जो इसने प्रीवियस लो लगाया था वही, ठीक है। सो ये लो लगाने के बाद मैंने क्या किया, मैंने स्टॉप लॉस थोड़ा यहाँ पे ट्रेल कर दिया था 400 के अराउंड, मतलब ये स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल किया था, ठीक है, आपको इस पे भी दिखा देता हूँ, देखो SL ट्रेल टू 401, ठीक है, 21,401 मतलब 1149 के अराउंड, दैट मीन्स 1149 मतलब इधर ही कहीं रहेगा, ओके, मैंने जो ये मोमेंटम दिया था तभी SL ट्रेल किया था, मतलब ये जो मोमेंटम दिया था इसने डाउन साइड आया था अपसाइड आया था, ठीक है, ये मोमेंटम जब दिया तभी मैंने SL यहाँ पे लेके आया था, ठीक है, 400 के अराउंड यहाँ पे हम करते हैं, ठीक है। सो मैंने स्टॉप लॉस कुछ ज़्यादा एग्रेसिवली ट्रेल किया 25 पॉइंट्स, उसके बाद इसने अपसाइड मोमेंटम दिया, अपना स्टॉप लॉस सर्वाइव किया था यहाँ पे, फिर वापस से नीचे आया और यहाँ पे इसने हमारा स्टॉप लॉस हिट किया, ठीक है, लगभग ऑलमोस्ट 12:30 के अराउंड आप देख सकते हो SL हिट 12:34 के अराउंड, मैंने 12:33 को मैसेज डाला था यहाँ पे टेलीग्राम पे 74 पॉइंट्स, ठीक है, और SL हिट करने के बाद फिर ये इसको निकाल देते हैं, ठीक है, SL हिट करने के बाद फिर काफ़ी देर बाद ये मोमेंटम आया था, देखोगे SL हिट किया, उसने SL हिट करने के बाद तुरंत ही फॉल दिखाया, ठीक है, ऑलमोस्ट अपने टारगेट के नियर बाय 425 के अराउंड मेरा कुछ टारगेट था, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये थोड़ा सा मैंने इधर नीचे ड्रॉ किया है, 225 के अराउंड मैंने पेंडिंग लगाया था ऑर्डर, ठीक है, इसने हाई लो लगाया था, सो इसने तुरंत वो टारगेट अचीव कर दिया, अभी इसमें गलती क्या हो, तो मैंने अभी वोलाटाइल मार्केट है काफ़ी ज़्यादा, तो इसमें इतना एग्रेसिवली स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करना चाहिए, जो मैंने ये लेवल का लगाया था ऑलमोस्ट, ठीक है, सो एटलीस्ट मेरा प्लान क्या चल रहा था शुरू में मेरा कुछ प्लान चल रहा था कि ये लेवल को अगर ये ब्रेक करता है, मतलब ये लेवल, ठीक है, तो मैं स्टॉप लॉस ये लेवल ब्रेक करता है तो ही ट्रेल करूंगा, ऐसा मेरा चल रहा था, ठीक है, बट ये मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल लग रहा था, इसके लिए फिर मैंने थोड़ा सा एग्रेसिवली ट्रेल किया जो कि नहीं करना चाहिए था ऑब्वियसली, सो उसके वजह से फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ पहले और बाद में फिर अपना टारगेट अचीव हुआ जो कि कुछ काम का नहीं है स्टॉप लॉस अगर आपका जाता है तो। सो आई होप आपको ये वीडियो से कुछ कंटेंट मिला होगा सप्लाई एंड डिमांड जोन के ऊपर, तो ठीक है आज का लर्निंग बस इतना ही है कि थोड़ा स्टॉप लॉस ये वोलाटाइल मार्केट में इतना एग्रेसिवली ट्रेल नहीं करना चाहिए, करते भी हो तो फिर थोड़ा लॉजिकली, मतलब अभी देखो मैंने यहाँ पे जल्दी से ट्रेल किया था, आपको दिखा दूँ ये लेवल मैंने पहले डिसाइड किया था कि अगर ब्रेक करता है तो वही ट्रेल करूंगा, पर मैंने ये थोड़ा सा बैक टू बैक मोमेंटम दिख रहा था इसके लिए फिर मुझे लगा कि ये जा सकता है अपसाइड, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो
ये ऐसा कुछ बना रहा था ब्रेकडाउन के ब्रेकआउट की तरह, तो इसके लिए फिर मैंने रिस्क लेना नहीं चाहा उतना और ट्रेल कर दिया था। ठीक, सो यस ट्रेडर्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में।